पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हो रहे हमलों को लेकर सख्त चेतावनी दी है। खालिस्तान समर्थकों का बिना नाम लिए पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते खराब करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों और भारतीयों पर हमले हुए थे, जिसे लेकर पीएम मोदी ने सख्त संदेश दिया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज ने इन सभी मामलों में सख्त कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के सौहार्दपूर्ण रिश्तों को कोई भी तत्व अपने विचारों या अपने एक्शन से आघात पहुंचाए, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री अल्बनीजी ने इस संदर्भ में जो कदम उठाए हैं, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। 5 मई को भी सिडनी में स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया था। मंदिर में खालिस्तानी समर्थकों ने खूब हंगामा किया और मंदिर की दीवार पर खालिस्तानी झंडा भी लगाया गया था। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच द्विपक्षीय वार्ता की। द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, साथ ही आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर भी दोनों ने चर्चा की। पीएम मोदी ने बताया कि द्विपक्षीय वार्ता में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अगले दशक की रणनीति पर चर्चा हुई। इसके साथ ही माइनिंग में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच ग्रीन हाइड्रोजन पर एक टास्क फोर्स के गठन का फैसला लिया है। साथ ही पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम को वर्ल्ड कप देखने आने के लिए भी आमंत्रित किया। इस साल भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए मैं प्रधानमंत्री अल्बनीजी और सभी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट फैंस को भारत आने के लिए आमंत्रित करता हूं। उस समय आपको क्रिकेट के साथ साथ दिवाली की चमक और धूमधाम भी देखने को मिलेगी। इससे पहले पीएम मोदी को ऑस्ट्रेलिया में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया, तो वहीं सिडनी में कल पीएम मोदी ने भारतीय लोगों को संबोधित किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आजादी के अमृत महोत्सव पर आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें वो नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। इस बैठक में गृह मंत्री शाह के साथ केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी भी होंगे। दरअसल 26 को मोदी सरकार को 9 साल पूरे हो रहे हैं, जिसे लेकर भव्य कार्यक्रम की भी तैयारी है। गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सरकार के 9 साल के कामकाज का हिसाब देंगे। 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पार्टी 30 मई से 30 जून के बीच पूरे देश में लगभग 50 रैलियां करने की योजना बना रही है। सूत्रों के मुताबिक इन रैलियों में आधा दर्जन से ज्यादा रैलियों को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे और इस प्रचार से बीजेपी को लोकसभा चुनाव की तैयारियों को भी जोर मिलेगा। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और पीएम मोदी ने 30 मई 2019 को दूसरे कार्यकाल के लिए पद की शपथ ली थी। उसी के बाद से बीजेपी हर साल 26 मई को एक भव्य कार्यक्रम करती है। ।2024 के चुनाव को देखते हुए क्षेत्रीय पार्टियां बीजेपी को घेरने के लिए अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं। दिल्ली में केंद्र का अध्यादेश जंग एक नई वजह बना है। हालात ये हो गए हैं कि अब आम आदमी पार्टी अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने में जुट गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान दोनों ही नेता मुंबई पहुंच चुके हैं। आज शाम दोनों ही नेता शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। फिलहाल सीएम केजरीवाल को ये उम्मीद है कि राज्यसभा में ये अध्यादेश गिर जाएगा। कानून का गलत इस्तेमाल करके गवर्नर के जरिए ऑर्डिनेंस पास करके ये तरह तरह से उस नॉन बीजेपी गवर्नमेंट को काम ही नहीं करने देते। अब इस अध्यादेश के खिलाफ दिख रही आम आदमी पार्टी को टीएमसी का समर्थन मिल गया है। अगर हॉट पार्टी हम एक साथ में ऑपोजिशन हो सकता है, दिस इज द मौका है, तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा देश के लिए कि हम बीजेपी को राज्यसभा में हरा सकते हैं। Zee News.